इट्स अ डिसेंट मूवी, ठीक है, इमोशनल है, काफ़ी अच्छा है. फिल्म वॉज वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी प्रैक्टिकल मूवी. ओके ओके, फिल्म बहुत अच्छी है. दीपिका पादुकोण ने बहुत अच्छे से नक्शे और छोटी छोटी हरकतें पकड़ी है एक्चुअल विक्टिम की. फिल्म काफ़ी अच्छी है. फर्स्ट हाफ थोड़ा खींचता है, काफ़ी सारा समय लेके सेटअप किया है, लेकिन सेकेंड हाफ में काफ़ी सारा पिकअप और कल्मिनेशन बहुत टूवर्ड्स द एंड काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है. मैं मालती के सोल से कनेक्ट हुई क्योंकि मैं रियल लाइफ भी उस तरीके के दौर से गुजरी हूँ. वेल, द मूवी इज़ वेरी थॉटफुली क्रिएटेड. मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी. वो बहुत ऐसे इंटेंस फिल्म थी. हुक था म्यूजिक में, वो छपाक वर्ड बार बार आपके दिमाग में अटक जाता है. इसमें एक गाना है जो पूरा ही नैरेटिव में चलता रहता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाने के लिए. थैंक यू. और जो टाइटल ट्रैक है छपाक, टोन उसका सीरियस नहीं रखा है लेकिन वो हिट काफ़ी करता है. म्यूजिक इज ब्रिलियंट एंड दो लिरिक्स है छपाक, वो ऐसा कनेक्ट करता है कि पूछो मत. इट मेक्स यू क्राई, दो इट इज वेरी वेरी पेपी बट इट टचेज योर हार्ट. गुलजार साहब ने छपाक वाला जो फ्रेज को यूज़ किया है जिस तरह से खूबसूरती से, नोबडी कैन एक्सप्रेस हिम द थॉट एज ब्यूटीफुली ही कैन. हेड्स ऑफ टू डायरेक्टर मेघना गुलजार. मेघना गुलजार ने अपनी स्टोरी में कुछ भी एग्जैजरेट नहीं किया, जैसे था वैसे बताया. खुशी थी तो खुशी दिखाई, कई बहुत दर्दनाक एकदम स्टोरी टेलिंग नहीं थी, तो इट वॉज क्लोज टू रियलिटी. मेघना गुलजार और उनकी को राइटर की राइटिंग, मेघना गुलजार जी का डायरेक्शन और जो प्रोस्थेटिक मेकअप जो किया है और जिस तरह से फिल्म शूट भी की गई है, ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से आपको फिल्म देखनी चाहिए. विक्रांत ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है. दीपिका स्टिल डिजर्व्स टू बी लाइक, अच्छी है काफ़ी परफॉर्मेंस. काम कैसा है दीपिका का? बहुत अच्छा है. इसमें काम से ज़्यादा ये है कि ये कितनी सेंसिटिव फिल्म है. बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छा काम है. सोलो हीरोइन के नाते 5 to 5 मार गए सोलो के साथ. दीपिका पादुकोण का एक्टिंग इज रियली वेरी गुड एंड पब्लिक को ये मूवी देखना चाहिए ताकि रियलिटी समझे कि जो एसिड जिसके ऊपर पड़ता है उसके ऊपर वो क्या फेस किए अपने देश में. दीपिका ने काफ़ी अच्छा काम किया है. अभी तक का उनका नुआंस्ड परफॉर्मेंस है. करण मासी आता है सिनेमा में और सिनेमा का लेवल अलग हो जाता है. पैसा वसूल जैसा बोल सकते हैं बट ये हर एक को देखनी चाहिए क्योंकि जैसी सबकी अलग अलग वेराइटीज़ होती है. अभी जो ये जो मूवी है वो रियल इंसिडेंट पे बनी हुई है तो उसे देखना ज़रूरी है. ये तो एक सब्जेक्ट है, इतना अच्छा क्यों नहीं देखनी चाहिए, गुड सब्जेक्ट. इस अपराध की गहराई पता चले इसके लिए फिल्म देखनी चाहिए. पैसा वसूल टाइम वसूल दोनों है. ये समझने के लिए कि हमें सिर्फ क्राइम वो जिनके ऊपर होता है उनको एज ए विक्टिम नहीं समझना चाहिए. हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्राइम को समझें और उसे रोकें. 4, 3, 5 में से 3.5, 4 5 में से मैं इनको 3.5 3 देती हूँ. आई थिंक 5 out of 5 5 में 4 5 में कितनी आउट ऑफ 5? वी कांट रेट सच काइंड ऑफ फिल्म्स. इस तरह की फिल्मों को हमें रेट नहीं करना चाहिए.